गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बहुत ही अच्छा मौसम है, सुबह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आज का क्या सीन है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अ डे इन द लाइफ ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर। मैं दिखाऊंगा कैसे हमारा दिन निकलता है, हम मीटिंग्स या फिर जो भी ब्रांड डीलिंग्स होती है, हम कहाँ बाहर जाते हैं, मैं आज आपको वो सब दिखाऊंगा। तो बस यही होने वाला है आज व्लॉग, डे इन द लाइफ ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर। और मैं अपने आपको कंटेंट क्रिएटर बोल रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर नहीं बोल रहा, बिकॉज इट इज़ कॉन्टेंट जिस पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। काफ़ी लोगों को लगता है कि जो भी इंसान कॉन्टेंट बनाता है वो इन्फ्लुएंसर भी हो जाता है, बट आई डोंट लाइक द वर्ड इन्फ्लुएंसर, इस करके इट इज़ अ डे इन द लाइफ ऑफ अ कॉन्टेंट क्रिएटर। आई डोंट नो क्या हो गया मौसम को आजकल, एक तो बारिश हो ही जा रही है और इतना यू नो फिर से ठंडा सा मौसम हो चुका है। बट जो भी बोलो यार, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मौसम्स, ये मेरा एक यू नो फेवरेट मौसम है। इतना प्यारा मौसम है, ठंडी हवा और इतना कुछ अच्छा चल रहा है मौसम में। आपका क्या फेवरेट मौसम है? तो गाइस सुबह का तो हमारा वही स्केड्यूल होने जा रहा है जो मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको दिखाया था, मॉर्निंग स्केड्यूल मेरा, नहीं आप लगा तो आप वो भी देख सकते हैं। तो बस एक चेंज होगा उसमें, आज नया वीक स्टार्ट हो रहा है, इट्स बैक टू मंडे। तो हम मंदिर जाएंगे, थोड़ा यू नो ब्लेसिंग्स लेंगे ताकि हमारा वीक अच्छा जा सके, सिर्फ वो एक चेंज होगा। बाकी अपना स्केड्यूल बिल्कुल सेम रहेगा मॉर्निंग का, लेकिन बाकी चीज़ें आज चेंज होने वाली है। हम बहुत कुछ करने वाले हैं आज, तो उसके लिए स्टे। यार फिर बारिश शुरू होगी, क्या हो गया मौसम को, हर दिन बारिश बारिश शुरू हो गया है। अगर बारिश नहीं रुकी यार, हमारा प्लान फिर से ख़राब हो जाएगा और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। होपफुली दोपहर तक बारिश बंद हो जाए ताकि हम अपने काम पर जा सके। सो गाइस वी आर रेडी, हमारा आउटफिट तैयार है, अब हम जाएंगे थोड़ा काम करेंगे अपना पहला, फिर उसके बाद दिखाते हैं। गाइज हम आए हैं सेक्टर 40 चंडीगढ़ में, अपनी मीटिंग हो गई है कंप्लीट और अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब हम घर को निकले या कहाँ को निकले हैं? देखो यार भाई तुम्हारा चला रहा है गाड़ी, क्या बात है, सेक्टर 40 में ही। अब मैं देख रहा हूँ अपने नानी की जाए थोड़ा सामान लेके, तो अब मैं वहाँ जाता हूँ फिर आप लोगों से बात करता हूँ। तो गाइज अब हम आ चुके हैं चार फेस, अब मैं ऐसे आपको ज़्यादा दिखा नहीं पा रहा क्योंकि यू नो थोड़ी कमिटमेंट्स होती है और थोड़ा प्राइवेसी टाइप चाहिए होता है दूसरे बंदे को भी। तो हाँ अभी चार फेस आए हुए हैं, बैठे हैं अभी कार में हम, तो वेट करते हैं काम हो जाए अपना, फिर अभी तो मेरे ख्याल से फिर इसके बाद घर ही जाएंगे, बिकॉज जो मेन मेरा कॉन्टेक्ट का काम है वो 3 बजे स्टार्ट होगा जिसके साथ मैंने टाई अप किया हुआ है। तो दोपहर को वहाँ होंगे और अभी लंच के लिए तो मैं दाल बनाऊंगा घर जाके, दाल बनानी है मैंने, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाली गई है। तो कोई बात नहीं, बना देंगे दाल, दिखाऊंगा मैं आपको अपनी दाल जैसे बनाई है, कौन सी दाल बनी है। तो हाँ करता हूँ मैं इंतज़ार और उसके बाद मिलते हैं हम आपको। तो गाइस पहला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी हम आ चुके हैं घर, तो अभी करते हैं अपना लंच रेडी, उसके बाद जो मेन चीज़ है, जो मेन कंटेंट क्रिएशन है, मैं आपको दिखाऊंगा। अब दोपहर से रात तक अब वही होने वाला है, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, तो आपको प्रॉपरली आइडिया भी मिल जाएगा कि एज अ लाइफ ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर क्या, बस कैमरे के पीछे जो हमारी दुनिया रहती है वो आज दिखाऊंगा मैं आपको। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी लड़के सोचते हैं यार पिंक कलर इज़ फॉर गर्ल्स, बट ऐसा कुछ है नहीं यार, पिंक कलर भी बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। देखो तुम्हारे भाई ने कुछ डाला हुआ है, कितना जच रहा है। तो यू कैन स्टार्ट विद द पिंक कलर, कोई इसमें ये नहीं है कि यार ये तो लड़कियों वाला कलर तो हम क्यों पहने, ट्राई एक्सपेरिमेंट, यही मज़ा है फैशन का। तो जी अपनी दाल तैयार है, ये लो दाल, पीली दाल बनाई है, घर के पापड़ हमारे, घर का अचार, घर की रोटी, और ये सब खा के बनेंगे हम हेल्दी।
सो गाइज वी आर रेडी अगेन और मैंने अपनी ये जैकेट पहनी है। जब भी मैं टू व्हीलर पर ट्रैवल करता हूँ आई प्रेफर वेयरिंग दिस जैकेट और अपने अपना कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए सामान ले लिया है, यू नो ट्राइपॉड और कैमरा, इसमें अपना कैमरा, ये अपना ट्राइपॉड। तो अब जाके हम शूटिंग करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा मैं कहाँ पे शूट कर रहा हूँ और चलो चलते हैं। सो गाइज वी आर बैक इन सेक्टर 10 चंडीगढ़। मौसम बहुत बढ़िया है काम करने के लिए, तो यहाँ पे हम अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं ब्रांड के लिए, ब्रांड के साथ काम है हम वो करेंगे। तो हाँ यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, हर जगह देखोगे आपको महंगी महंगी गाड़ियाँ ही दिखेगी, रेंज रोवर, मर्सिडीज। इफ़ यू लुकिंग फॉर द बेस्ट कैफेज इन चंडीगढ़, बेस्ट खाना चाहिए सेक्टर 10 आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ कितने बढ़िया कैफेज हैं यहाँ पे। स्टार्टिंग फ्रॉम देर तो कॉफ़ी बीन, फिर आपका यहाँ जाता है काला घोड़ा कोर्ट यार्ड, पेगी आइसक्रीम, कासा बेला विस्टा, ब्रुक्स डेजर्ट एंड कॉफ़ी, ब्रुकलिन सेंट्रल, और यहाँ आगे जाके भी आपके बहुत सारे वो हैं, आ सकते हैं आप यहाँ पे। गाइज आपने देखा मेरा शूट हो गया है कंप्लीट, मतलब जितना भी देखा आप समझ ही गए होंगे मैं क्या करता हूँ। अब चलेंगे हम घर, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी पहनेंगे हम अपनी, तैयार रहेंगे और चलते हैं घर। पेट्रोल पंप आया था और ये देखिए पॉश, क्या बात है, चंडीगढ़ का राष्ट्रीय। घर पहुंच चुके हैं और साथ के साथ हमने अपना लैपटॉप भी ऑन कर दिया एडिटिंग करने के लिए। दैट इज आवर कंटेंट क्रिएटर्स, इसको अब जो भी हमने शूट किया अब मैं वो एडिट करने बैठूंगा, उसके बाद बाद में रात को मैं अपना खुद की वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास भी वीडियोस ख़त्म हो रही है फॉर माई इंस्टाग्राम, अगर नहीं फॉलो करते तो जाके फॉलो कर लीजिए। तो अब उसके लिए भी कॉन्टेंट क्रिएट करना है मैंने, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ मेन चीज़ें जो आप लोगों को पता लगे कि अच्छा कॉन्टेंट क्रिएटर्स को ये सब भी करना होता है। तो गाइज मेरे ख्याल से आज हम सैर पे भी नहीं जा पाएंगे, हम अपनी वॉकिंग पे आज नहीं जा पाएंगे बिकॉज एडिट करने को काफ़ी कुछ है मेरे पास और मैंने बाद में अपने लिए भी वीडियो बनानी है, तो इट कैन बी अ बिट टफ। अगर रात को थोड़ा टाइम मिलेगा तो शायद मैं थोड़े राउंड्स लगाने जाऊँ, बट वरना इसके बाद तो मैं अपनी वीडियोज़ बना पाऊँगा क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जी अपनी स्वीट डिश भी तैयार है, गुलाब जामुन गर्मा गर्म लाए हैं और अभी भी अपनी एडिटिंग चल रही है, करते हैं इसको कंप्लीट। अभी हमारी वीडियो कंप्लीट होगी और टाइम देखिए कितना हो गया 9:40। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, नींद क्योंकि बहुत ज़्यादा आने लगी है, काफ़ी टायरिंग फील हो रहा है, लेकिन चलो देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं, एक वीडियो अगर बनती है तो बना ही लेते हैं। तो गाइस शूटिंग का टाइम हो चुका है, मैं फिर भी शूट कर रहा हूँ, अपने आप को पुश कर रहा हूँ बिकॉज समटाइम्स यू नीड टू पुश योरसेल्फ ताकि तुम और भी चीज़ें अचीव कर सको। तो मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ, ये अपना हमने अपना कैमरा सेट कर दिया है, ये अपनी वॉल जहाँ पे हम शूट करेंगे, एक अच्छा बैकग्राउंड ये मेरे को देती है वॉल, तो अभी हम यहाँ पे शूट करेंगे। ये रहा अपना कैमरा, लाइट चल रही है, एक ये लाइट लगाई है, एक ये दूसरी लाइट चल रही है, बाकी मैं अपने लैंप लगाऊंगा एक और रिंग लाइट लगाऊंगा जिससे और भी लाइटिंग अच्छी हो जाएगी। अब बस क्या आप साफ सुथरा होते हैं, अपना गेटअप करते हैं तैयार और वीडियो बनाते हैं। देखना चाहोगे बोर हो जाओगे तुम लोग, तुम्हें सिर्फ एंड रिजल्ट दिखाऊंगा मैं, तो रेडी होते हैं अपने आप को क्लीन करते हैं
और एक बढ़िया सी वीडियो। तो गाइस हमारा शूट ख़त्म हो गया है। मैं सोच रहा था एडिट भी आज कर लूँ लेकिन मेरे को नहीं लगता हो पाएगा। एक्चुअली मेरी दोनों नोस्ट्रिल्स ब्लॉक हो चुकी है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे को, थोड़ा टायरिंग लग रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि तबीयत ख़राब हो रही है। तो व्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड करूँगा, मैं थोड़ी मेडिसिन लेके अब रेस्ट ही करूँगा। तो गाइस अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों साथ और सब्सक्राइब भी करना। 6 दिन लगातार व्लॉग आ चुका है, मेरी कोशिश है कि देख सकूँ कि मैं कितने दिन लगातार ये व्लॉगिंग कर सकता हूँ। तो होपफुली आप लोग मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। और हाँ, कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स।